हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं जयतन चंद्रदास। तो एक कोबरा इफेक्ट, इसको बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। तो जब ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिशर जब राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो उस समय हुआ क्या, जो दिल्ली में अचानक से बहुत सारे कोबरा, जो सांप होते हैं जहरीले सांप, बहुत बढ़ने लगे। तो ये ब्रिटिश सोचने लगे कि दिल्ली में इतने सारे सांप क्यों बढ़ रहे हैं। और इसके कारण बहुत ही आतंक मच गया। लोग बहुत डरे हुए थे, इतने जहरीले सांप इतने बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो लोग बहुत भयभीत थे। तो उन्होंने कंप्लेन किया जाके ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि जिस किसी ने भी एक मरा हुआ कोबरा अगर हमारे पास लाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो उनको लगा कि इतने सारे कोबरा है, अगर लोग मारेंगे कोबरा को और मरा हुआ सांप हमारे पास लाएंगे, तो हम उनको इनाम देंगे। ऐसे करके कोबरा जो है दिल्ली में बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का उनको लगा कि परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो उन्होंने सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि जो भी व्यक्ति मरा हुआ कोबरा लाएगा हमारे पास देगा, तो आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा रकम दी जाएगी। तो लोगों ने सोचा वाह। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने और बड़ी तरकीब की। तो उन्होंने क्या सोचा, वाह कोबरा, एक कोबरा पर इतने सारे पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोबरा को पालने लगे और कोबरा को पाल के उनके अंडे पाल के और कोबरा जनरेट करने लगे, क्योंकि हर एक कोबरा पे इतना सारा पैसा मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि और कोबरा जनरेट करेंगे तो और पैसा मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति के घर में कोबरा ही कोबरा थे, क्योंकि कोबरा को पालते थे और उनके बच्चे को भी पालते थे और बच्चे को पालते थे। तो इतना सारे कोबरा हर एक व्यक्ति के घर में थे और एक एक को मार के वो ऐसे देते थे। तो इतने सारे कोबरा हो गए। तो ब्रिटिशर्स को बाद में लगा कि अरे, हमने तो सोचा था कि इस स्कीम से कोबरा कम हो जाएंगे, लेकिन इससे तो कोबरा और मल्टीप्लाई होते जा रहे। तो उन्होंने सोचा बाप रे, ये तो इफेक्ट उल्टा हो गया। तो उन्होंने फिर से एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि देखो, अभी आपको इस पे इनाम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अगर कोबरा लाते हो, मरा हुआ सांप लाते हो, तो आपको इनाम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वो स्कीम कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो लोगों को गुस्सा आ गया, बोले अरे, हमको पैसा मिलने वाला था, अभी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो कोबरा जो थे उनके घर में सारे छोड़ दिए दिल्ली के अंदर। तो कोबरा का प्रॉब्लम और बढ़ गया। जितने सारे कोबरा घर में थे, जितने पाल के रखे थे, गुस्से के कारण उन्होंने सब छोड़ दिया रास्ते के ऊपर। तो कोबरा का प्रॉब्लम 10 times बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। यानी इसका अर्थ है कि मटेरियल प्रॉब्लम के लिए मटेरियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मटेरियल प्रॉब्लम के लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा है कि यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लेवल पे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, उसके ऊपर के लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो मटेरियल प्रॉब्लम शुड हैव स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जो भौतिक प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन निकालने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम से भी खतरनाक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा होता है भौतिक प्रॉब्लम। सो वी शुड हैव स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर मटेरियल प्रॉब्लम्स, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।